घर का भेदी लंका ढाहे, ये कहावत आप लोगों ने खूब सुनी होगी। दोस्तों इसी कहावत के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जो अभी मैच जो ख़त्म हुआ है, 15वां मैच वर्ल्ड कप का नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया है, जिसमें नीदरलैंड ने बड़ा ही उलटफेर किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मैच, आज का ये वीडियो। दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे क्रिकेट सर्जरी चैनल्स में। जैसा कि आपको बता रहे थे हम कि घर का भेदी लंका ढाहे है। नीदरलैंड्स टीम ऐसी टीम है जिस टीम के गुरु कोच साउथ अफ्रीकन है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अफगानिस्तान के जो कोच थे वो इंग्लैंड कोच थे, और इंग्लैंड टीम को ऐसी पटकनी दी कि शायद इंग्लैंड फिर दोबारा इस मैच में तो नहीं उठ पाएगा, इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप में। दोस्तों बताते चले हैं कि साउथ अफ्रीका एक बहुत ही मजबूत टीम मानी जाती है, और जिसके आगे जो नीदरलैंड है वो बहुत छोटी टीम है। नीदरलैंड अब तक जो मुकाबले खेल रही है, यानी विश्व कप की, 1996 से खेल रही है। 1996 से लेकर अब तक दो ही मुकाबलों में जीत इसको हासिल हुआ, एक वेस्ट इंडीज और दूसरा स्कॉटलैंड। तीसरा मुकाबला आज है जो इन्होंने जीता है। इस मैच का थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले क्या हुआ, मैच थोड़े से पहले बारिश आने लगी, बारिश में लेट हो रहा था, टाइम ज़्यादा हो गया बारिश होते होते, फिर इसमें मैच क्या किया गया, 43 ओवर्स का कर दिया गया। 43 ओवर्स के मैच में नीदरलैंड की जो टीम थी वो बैटिंग करने उतरी, और नीदरलैंड की टीम बैटिंग करने उतरी, बैटिंग करने के बाद बैटिंग में इन्होंने जो लक्ष्य दिया 245 रन का दिया। 245 रन के लक्ष्य में इनके जो कैप्टन है विकेट कीपर एडवर्ड, 69 बॉल में 78 रन मारे 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से। इसमें एक समय ऐसा लग रहा था कि इनकी टीम बहुत जल्दी ही सिमट जाएगी, जैसे 22 पे एक विकेट था इनका, 24 पे दूसरा विकेट था, 40 पे तीसरा था, 50 पे चौथा था, 82 पे 5 विकेट हो चुके थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने पारी को संभाला और संभालते हुए खेला। 43 ओवर्स में इन्होंने जो रन बनाए वो 245 रन बनाए। अब बारी आती है साउथ अफ्रीकन टीम की। साउथ अफ्रीकन टीम जब खेलना शुरू की तो साउथ अफ्रीकन टीम में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था कि जो अच्छे से खेला हो। दो लोग इसमें खेले, एक डेविड मिलर थे जो कि 52 रन पे 43 रन बना के खेले, मतलब आउट हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, और दूसरे केशव महाराज जो कि लास्ट में, ये बॉलर हैं केशव महाराज, तो 37 बॉल में 40 रन बना के ये गए वापस, और 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। और बताना चाहेंगे 42.5 ओवर, यानी एक गेंद शेष रहते हुए 200 विकेट इनके गिर गए, 207 रन मात्र बना पाए। तो ये था मैच का एक ओवरव्यू। बहुत ही बड़ा उलटफेर किया है नीदरलैंड की टीम ने। दोस्तों अगर हम बात कर लें नीदरलैंड के बॉलर्स की, तो बॉलर्स ने अपना बखूबी काम किया है। लोगान वान वीक जो हैं वो 3 विकेट लिए हैं, पॉल वान ने 2 विकेट लिया है, और रोलोफ ने 2 विकेट लिया, और पास टे ने 2 विकेट लिया, 1 विकेट कोलिन को मिला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं अगर नीदरलैंड की, नीदरलैंड के टीम की, तो नीदरलैंड की टीम में बहुत बिरले ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि फुल टाइम खेलते हैं। फुल टाइम को मतलब क्रिकेट के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो नौकरी करते हैं कहीं ना कहीं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं अपने क्रिकेट करियर के अलावा, और फिर आए क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही जोश और जज्बा है। ठीक अफगानिस्तान की टीम के तौर तौर पर ये लोग खेले हैं, और बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही मेहनती टीम है, ये लोग आगे और भी कुछ कर सकते हैं। तो साथियों इसी तरह का जो कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको हम देते रहेंगे आगे। अपना प्यार बनाए रखें। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग कंटेंट तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं दे रहे हैं या फिर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को पसंद करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।